31st नाइट को लेकर पुलिस एवं प्रशासन हुआ सख्त। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई होटल संचालक एवं रेस्टोरेंट संचालकों के साथ बैठक। रात 10 बजे के बाद किसी भी होटल एवं रेस्टोरेंट में आयोजन पर लगाई गई रोक। 11 बजे के बाद तफरी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पुलिस के द्वारा शहर में बनाए गए दर्जन भर से अधिक चेक पॉइंट। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31st नाइट को लेकर प्रशासन एवं पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। शहर में नजर बनाए रखने के लिए दर्जन भर से अधिक चेक पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जहां से आने जाने वालों पर पुलिस के द्वारा सख्त निगरानी रखी जाएगी। आज इसी संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम में होटल रेस्टोरेंट एवं बार संचालकों के साथ प्रशासन एवं पुलिस विभाग के द्वारा बैठक ली गई। बैठक में एडिशनल SP श्री कुमार वर्मा, SDM अनुराग तिवारी, CSP SN प्रसाद, DSP यातायात मनोज वर्मा, नायब तहसीलदार यति शुक्ला, आबकारी उप निरीक्षक अभिमन्यु पाठक सहित कई थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को स्पष्ट किया गया कि वो अपने अपने रेस्टोरेंट एवं होटल में 10 बजे के बाद सभी सेवाएं बंद कर दें। 10:30 बजे तक लोग अपने घरों तक पहुंच जाएं, यानी 11 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति सड़क पर बेवजह तफरी करते दिखाई देता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एडिशनल SP श्री कुमार वर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि शहर में केवल 8 लाइसेंसधारी होटल एवं रेस्टोरेंट तथा 2 ओकेशनल कुल मिलाकर 10 लोगों को ही लाइसेंस प्राप्त है, उन्हें भी केवल 10:30 बजे तक की ही अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता पाया गया तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं रात 11 बजे के बाद खुले मिले होटल रेस्टोरेंट को सीज किया जाएगा। प्रस्तुत है एडिशनल SP श्री कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। जो निर्देश है शासन स्तर से, उन निर्देशों का पालन करने के लिए संबंध में सभी रेस्टोरेंट होटल और संचालकों को बताया गया था। उसी संबंध में ये कलेक्टर SP साहब के निर्देश में मीटिंग ली गई थी। इस मीटिंग में सभी होटल संचालकों को जो बताया गया है उसमें ये टारगेट रखा गया है कि वो लोग सभी 10 बजे का टारगेट लेके चलेंगे, 10 बजे तक आखिरी ऑर्डर लेंगे, इसके बाद ऑर्डर नहीं लेंगे। उसके बाद होते होते जो ख़त्म करने वाला है 10:30 बजे तक हर हाल में ख़त्म कर ले, जिससे लोग कर्फ्यू के समय के पहले यानी 11 बजे के पहले अपने अपने घर पहुंच जाएं, जिससे शहर में व्यवस्था बनी रहे, निर्देशों का पालन कराया जा सके। जो लोग इसके बाद भी या होटल को खोल के रखेंगे या होटल चलाते रखेंगे, समय से बंद नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि उसको सीज भी किया जाएगा। ऐसा होटल संचालकों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। इसके साथ साथ होटल में काम करने वाले वर्कर्स के लिए जो समय निर्धारित है उसमें भी ये सब पालन हो जाएगा, क्योंकि जब वो आखिरी ऑर्डर 10 बजे लेगा, फिनिश होते होते 10:30 बज जाएगी, वो भी होटल का जो स्टाफ है जो शहर में रहता है कहीं, वो भी अपना समय से वापस चला जाए, इसमें उनके लिए भी सुविधा बनी रहेगी। क्योंकि पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम और नगर निगम की टीम, ये सारी टीमें मिलके चेकिंग करेंगी, जगह जगह स्टॉपर्स के साथ शहर को सील किया जाएगा, जिससे कर्फ्यू का पालन कराया जा सके। कितने स्टॉपेज बनाए गए हैं नगर में? इसमें करीब 12-13 स्टॉपेज बनाए गए हैं, जो शहर के पूरे इंटरनल और आउटर पार्ट को कवर करके रखेंगे, जिसमें हमारे DSP ट्रैफिक में और CSP साहब ने मिलकर व्यवस्था कर ली है। और इसमें पहले से पूर्व में भी स्थान चिन्हित रहे हैं, कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे भी वो स्थानों में पुलिस चेकिंग करती रही है, वही स्थान इसमें रहेंगे। हुक्का बार के लिए भी कुछ विशेष? हुक्का बार तो वैसे भी अवैध है और इसमें अभी सिविल लाइन पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी। कुछ बात आई थी अभी, एक सज्जन जो थे किसी होटल के संचालक, उन्होंने ये प्रश्न भी उठाया था कि साहब वो हर्बल हुक्का, उनको भी इस संबंध में स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह का कोई भी हुक्का जो रेस्टोरेंट में, जहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बच्चियाँ सभी लोग जाते हैं, उनके सामने कोई हुक्का अगर पीते हुए दिखाई देता तो निश्चित रूप से उस पर गलत इफेक्ट भी पड़ता है और एक ज्ञान का कानूनी भी है। अगर वो उस तरह कहीं भी कुछ मिलता है, पुलिस ने उनको स्पष्ट कर दिया, प्रशासन की तरफ से भी स्पष्ट है कि उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो तो एक निर्धारित समय है, उसके पहले ही जिनको कुछ अगर आनंद उठाना उठा लें, उसके बाद मनाही है। सर, 31st में ड्रिंक एंड ड्राइव का बहुत मामले आते हैं, इसकी क्या कार्रवाई? इसमें हमारे DSP ट्रैफिक ने बताया है कि पूरी व्यवस्था लगा रखी है, शहर में करीब 12-13 स्थानों पर चेकिंग की जाएगी, ब्रीथ एनालाइजर के साथ की जाएगी। अगर कोई ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हुए पाया गया, वो भी 11 के पहले, ठीक है, तो कार्रवाई अलग से की जाएगी। 11 के बाद तो हर तरह से कार्रवाई होनी ही है, अगर जो भी रात में निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही है। इसलिए लोगों से विशेष अनुरोध है कि कृपया
11 के पहले अपने अपने घर में पहुंच जाएं, सुरक्षित रहें और अपने घर में ही बाकी का नया साल मनाएं। सभी को रीवा नगर रीवा जिले के वासियों को आप सभी को पुलिस प्रशासन रीवा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।